हुआ, चलिए हेल्थ विभाग तो समझ में आता है, लेकिन ये इलेक्शन हो गया और भी अनेकों अनेकों ये बीएलओ की ड्यूटी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को फिर आंगनबाड़ी को नहीं दी जाती, जो योजनाएं चलाई जाती है वो आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिका को नहीं दी जाती, उनसे भी वंचित करा जाता है। आम आदमी के लिए है वो, लेकिन आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के लिए नहीं है। गौरानंदा योजना, उसका लाभ आंगनबाड़ी को नहीं मिलता, महालक्ष्मी किट उसका लाभ आंगनबाड़ी को नहीं मिलता। अच्छा, जो योजना आप जनता तक पहुँचा रही है आपको नहीं मिलती? अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम भी उत्तराखंड से। अच्छा, तो उत्तराखंड की सरकार तो ये भी कह रही थी कि हमने कुछ पैसा बढ़ाया भी था, दिल्ली की सरकार ने भी कहा था कि हमने कुछ पैसा बढ़ाया आंगनवाड़ी वर्कर्स का। दिल्ली सरकार ने उसमें 2014 में बढ़ाया था, उसके बाद अब तक नहीं बढ़ाया। अच्छा। जब मोदी जी आए थे तब बढ़ा था, उसके बाद अब तक नहीं कोई पैसा बढ़ा। अच्छा, आपका एक आंदोलन 2022 में भी हुआ था, उसमें तो कहा गया था कि राज्य सरकार ने पैसे बढ़ाने की बात की है, 6,000 तक कर दिया था मानदेय, किसी ने बढ़ाया कभी नहीं बढ़ा। नहीं, पिछले साल राज्य सरकार ने हमारा मान बढ़ाया था 1800 रुपए बढ़ाया गया था केंद्र। हाँ जी, यूपी में 500 बढ़ाया गया था सिर्फ। 500 रुपए कब बढ़ाया था? अखिलेश के नहीं, योगी जी ने बढ़ाया था। योगी जी ने बढ़ाया था 500 रुपया। हाँ जी बताइए। नमस्कार, पहले आपका चैनल कमेंट। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। ये वीडियो आप सभी के स्थायीकरण या फिर मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मैं असम से हूँ, धुबरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। आपसे और मीडिया से यह मैं मोदी जी को कहना चाहती हूँ, जो मोदी जी हमारी तनख्वाह देती है 4,500 रुपया, वहीं से हमारी घर नहीं चलती है, हमको बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं बेटी को पढ़ाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाओ, लेकिन हमारी बेटी कहाँ पढ़ सकती है? लेकिन बेटी मोदी जी का खुद का मोदी जी का एमएलए का एमपी का जो बेटी है उसका अलग अलग स्टेट में पढ़ती है और प्राइवेट में पढ़ती है, हमारी बेटी सरकारी में पढ़ती है, सरकारी में पढ़ती है, लेकिन हमारी भी आशा है हमारी बेटी प्राइवेट में पढ़े और हाई एजुकेटेड हो, लेकिन हमारी बेटी जब बड़ी होती है अलग हम क्लास में जो एडमिशन देते हैं हमारे पैसे नहीं है, 4,500 तनख्वाह है हमारी, हमारी जो 4,500 तनख्वाह है वहाँ से हमारी घर नहीं चलता है। एक दिन में ब्रेकफास्ट में कितने जाते हैं और लंच में और डिनर में, लेकिन 4,500 एक दिन में गुजरता है, 29 दिन हम भूखा रहते हैं, बच्चे को कपड़ा दे ही नहीं सकते हैं, बच्चे का मांग पूरा नहीं कर सकते हैं, हम रो रहे हैं जब बच्चे हमसे मांग रहे हैं माँ जी हमको दूसरा के बच्चे दो, अच्छी सी हॉस्टल में रह के पढ़ रही है, और हम देखो हम सरकारी में पढ़ रही है जो फीस है सरकार।